क्वेश्चन इज इन वट टाइम रुपीज़ एट थाउजेंड अमाउंट्स टू रुपीज नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन एट टेन परसेंट पार एन ओम इंटरेस्ट वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितने टाइम में एट थाउजेंड रुपीज़ चेंज हो जा जाएंगे रुपीज़ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास टेन परसेंट पार एन है सो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है सो so, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमारे पास रेट है टेन परसेंट पर एनम सो अगर इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो टेन को डिवाइड करेंगे हम टू से सो so, ये आएगा फाइव परसेंट हाफ ईयरली नाउ फाइव परसेंट हमारे पास आ गया रेट इसकी फ्रैक्शन होती है वन बाय ट्वेंटी सो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो ये आएगा ट्वेंटी रेशियो ट्वेंटी वन हमारे पास एक्चुअल में प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है एट थाउजेंड और अमाउंट गिवन है रुपीज़ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन अगर इसको ट्वेंटी रेशियो ट्वेंटी वन की फॉर्म में लिखे तो प्रिंसिपल ये एट थाउजेंड आएगा ट्वेंटी का क्यूब और ये नाइन टू सिक्स वन आ रहा है ट्वेंटी वन का क्यूब सो so, अगर इन रेशियोज़ को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ रहा है टाइम इज इकल टू थ्री हाफ ईयर्स डैट मीन्स अगर एनुअली टाइम देखें तो ये होगा वन वन एंड हाफ ईयर्स So correct option is option number 2.